दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने चेक बाउंस केस और उससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई के बारे में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया, लेकिन उस वीडियो के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए ऐसी बनाई जाए जिसमें आपको चेक भरने का सही तरीका बताएं और चेक भरते वक्त आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका चेक कभी भी बाउंस ना हो सके और आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड ना हो। साथ ही मैंने इस वीडियो में किसी से लोन लेते वक्त दिए जाने वाले ब्लैंक चेक या सिक्योरिटी चेक से जुड़े फ्रॉड और उससे बचने के तरीके भी आपको बताए हैं। दोस्तों, वैसे तो चेक भरना बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन अगर आप चेक भरते वक्त कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम चेक भरने से जुड़ी A to Z बातें जानेंगे। सो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मिस्टर जूरिस्ट, लेट्स ग्रो विद लॉ। तो दोस्तों, किसी भी चेक को लिखने से पहले हमें यह जानकारी होनी जरूरी है कि किसी भी चेक पर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका चेक चाहे किसी भी बैंक का हो, आपको उस पर 5 चीजें तो भरनी ही पड़ती है, और अगर आप इन 5 चीजों को नहीं भरते हैं तो आपका चेक वैलिड नहीं माना जाएगा। फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं डेट ऑफ इशू की। इसका मतलब यह है कि जिस दिन भी आप किसी को चेक भरकर दे रहे हैं तो यहां आपको उस दिन की तारीख डालनी होती है, और ये जो डेट आप लिखते हैं आपका चेक उस डेट से लेकर आने वाले 3 महीनों तक वैलिड रहता है। लेकिन अगर चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह चेक बैंक में लगाने में 3 महीनों से एक दिन भी लेट हो जाता है तो यह चेक इनवैलिड हो जाता है और आपको उस व्यक्ति को दूसरा चेक देना होता है। सेकेंड नंबर पर आपको चेक पर लिखना होता है पेई का नाम। पेई वह इंसान होता है जिसको आप चेक दे रहे हो। पेई कोई इंसान भी हो सकता है और कोई कंपनी या फर्म भी। उस पेई का जिस नाम से बैंक अकाउंट है आपको सिर्फ वही नाम ही इस पे वाले कॉलम में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमित कुमार को चेक दे रहे हैं और उसने अपने बैंक अकाउंट में अपना नाम अमित कुमार की बजाय सिर्फ अमित लिखवा रखा है तो भी आपका चेक इनवैलिड हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पर आता है रुपीज वाला कॉलम। इसमें आपको चेक का अमाउंट शब्दों में लिखना होता है। जैसे अगर आप किसी को 5,000 का चेक दे रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे 5,000 ओनली या फिर 5,000 रुपये। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में चेक लिख सकते हैं। फोर्थ है कि जो अमाउंट आपने इस कॉलम में डाला है वही सेम अमाउंट आपको अगले कॉलम में भी डालना होता है, लेकिन अंकों या फिगर्स में। जैसे 5,000 के चेक में आप यहां लिखेंगे 5,000। और आखिर में, जब तक आपके चेक पर आप अपने साइन नहीं करते हैं तब तक वह चेक वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए चेक पर आपको अपने साइन करने हैं। यहां आपके नाम के ऊपर थोड़ा स्पेस होगा तो आपको उस स्पेस में अपने साइन करने होते हैं। तो ये जो 5 चीजें आपको रेड में दिख रही हैं, इनको तो आपने हर बार चेक जारी करते वक्त भरना ही भरना होता है। इसके बाद देखते हैं कि एक चेक में क्या-क्या चीजें होती है जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो अगर आपको अपना अकाउंट नंबर ही याद ना हो तो यह आपके चेक पर लेफ्ट साइड दिया होता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आपके चेक में नीचे कुछ कोड्स दिखाई देंगे। तो चलिए हम जानते हैं इन कोड्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आपके चेक पर होता है 6 डिजिट का चेक नंबर। इस चेक नंबर के द्वारा ही बैंक आपके चेक को ट्रैक करता है। और मान लीजिए आपने किसी को चेक जारी करके दिया हो और उस आदमी ने आपके साथ धोखा कर दिया हो तो आप बैंक में जाकर उस चेक का चेक नंबर उन्हें नोट करा सकते हो और कह सकते हो कि अगर इस चेक नंबर का चेक आपके पास क्लियरिंग के लिए आए तो आप इस चेक को कैंसल और पेमेंट को स्टॉप कर दें। स्टॉप पेमेंट से वह फ्रॉड आदमी चेक होने के बावजूद आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा पाएगा। तो जब भी आप किसी को चेक जारी करें यह चेक नंबर आप जरूर अपनी चेकबुक में नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर पर होता है MICR कोड, मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब कोई चेक क्लियरिंग के लिए जाता है तो इस MICR कोड से यह पता लगा लिया जाता है कि चेक कौन से बैंक और कौन सी ब्रांच का है।
पहले सिर्फ इससे होता था, लेकिन आजकल आईएफएससी कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड से भी आपको बैंक और ब्रांच की डिटेल्स मिल जाती है। इसके बाद सेकंड लास्ट नंबर पर जो कोड होता है वह होता है अकाउंट आईडी विद आरबीआई। अगर आपका चेक कभी आरबीआई में जाएगा तो इस कोड का यूज होगा, लेकिन डे टू डे में इस कोड का कोई यूज नहीं है। और लास्ट में आपको 2 डिजिट का नंबर मिलेगा जिसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। तो बैंक्स ने क्या किया है कि अलग अलग टाइप के अकाउंट्स को अलग अलग कोड्स दे रखे हैं। जैसे 31 नंबर वाला सेविंग अकाउंट हो सकता है, 29 वाला करंट अकाउंट हो सकता है, एक्सेट्रा। इस ट्रांजैक्शन कोड से हमें कोई लेना देना नहीं है। यह कोड बैंक वालों के लिए होता है ताकि जब भी उनके पास कोई चेक आए तो वो पता लगा सके कि यह चेक किस तरह के अकाउंट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर के आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि वैलिड फॉर ₹10 लाख एंड अंडर। इसका मतलब है कि आप इस चेक पे किसी को भी 10 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट भर के नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट किसी को देना है तो आप अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट की लिमिट बढ़वा सकते हैं, जिससे आपको नई चेकबुक दी जाएगी, जिससे आप ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको चेक के बारे में हर चीज स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में चेक से जुड़ा एक भी सवाल नहीं रहेगा और कभी भी आपके साथ चेक से जुड़ा कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि चेक को सही तरीके से भरते कैसे हैं, जिससे कि कोई भी आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना कर सके। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आदमी ने ये चेक भरा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर इसने लिखा है चंदन कुमार, मतलब चंदन कुमार को इसने पेमेंट करनी है। यहाँ पर इसने चेक अमाउंट को शब्दों में लिख दिया और आगे नंबर्स में, नीचे इसने अपने साइन कर दिए। अब आप कहोगे इसने सब सही तो लिखा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो आपने इस पर अपने साइन किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर जो भी लिखा है आप उससे एग्री करते हैं। इसमें जो दिक्कत है वो है कि आपने इस चेक में हर जगह खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, तो अगर जिसको आपने चेक दिया है वो आदमी चाहे तो थोड़ी सी टेम्परिंग करके आसानी से आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। चंदन को वो चांदनी बना सकता है और कुमार को कुमारी, और 5000 को वो 95000 बना सकता है। ऐसे में अगर आपके बैंक में 95000 रुपये हैं तो वो निकाल सकता है, और ना हो तो वो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आपके खिलाफ कोर्ट में चेक बाउंस का केस डाल सकता है। दोनों ही सिनेरियो में आपका ही नुकसान है। और दोस्तों, अगर आप चेक बाउंस से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको चेक लिखते वक्त इस वीडियो में आगे बताई गई कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी चेक को लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप चेक में किसी भी कॉलम में बिल्कुल फ्री स्पेस मत छोड़िए। अगर आपको चंदन लिखना है तो आप पे के साथ चंदन को बिल्कुल चिपका के लिखिए, ताकि चंदन से पहले कुछ ना लिखा जा सके। फिर कुमार और चंदन में भी बहुत कम स्पेस होना चाहिए, और नाम खत्म होने के बाद यानी कुमार के बाद आपको बची हुई जगह पर पूरी लाइन खींच देनी चाहिए, ताकि वहां पर कोई कुछ और ना लिख सके। उसके बाद जब भी आप रुपीस के आगे अमाउंट इन वर्ड्स लिखेंगे तो भी आप उसे रुपीस से चिपका के लिखेंगे और बीच में कोई स्पेस नहीं देंगे। और सारा अमाउंट लिखने के बाद आपको ओनली जरूर लिखना है, क्योंकि ओनली लिखने के बाद कोई भी आपके अमाउंट के आगे कुछ और ऐड नहीं कर सकता है। उसके बाद जितना आपको स्पेस मिलता है आप सीधी लाइन खींच दीजिए, और जहां आपको अमाउंट नंबर्स में लिखना होता है तो वो भी आपको बिल्कुल चिपका के लिखना है, ताकि कोई उसमें टेम्परिंग या ओवरराइटिंग ना कर सके। और उसके बाद आप एक लाइन खींच के उसके आगे एक छोटी लाइन खींच दीजिए जिसका नंबर्स में मतलब होता है ओनली। इन लाइनों के बाद कोई कुछ नहीं लिख सकता है। तो इस तरह अगर आप कहीं फालतू स्पेस छोड़ेंगे ही नहीं तो कोई टेम्परिंग या ओवरराइटिंग करेगा कैसे?
और हाँ, आप चेक पर डेट भी बिल्कुल सही लिखिए, ताकि अगर 3 महीनों के बाद कोई उस चेक को बैंक में लगाए तो वह चेक अपने आप इनवैलिड हो जाए। इसके बाद आप चेक पर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा देख रहे होंगे एसी पेई, इसका मतलब होता है अकाउंट पेई। इसका मतलब यह है कि यह चेक जिस इंसान के नाम से जारी किया गया है वह इंसान इस चेक का अमाउंट सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है, वो इंसान इस चेक को बैंक में जाकर कैश नहीं करवा सकता है। मान लीजिए आपने किसी दुकानदार से एक एसी खरीदा है जिसकी डिलीवरी आपको 2 दिन बाद मिलने वाली है और एसी की पेमेंट आपको चेक से करनी है, तो अगर आप चेक पर एसी पे ही लिख देंगे तो वह दुकानदार उसी दिन जाकर बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएगा। यह पैसे सीधा उसके बैंक अकाउंट में ही जाएंगे, जो मिलने में उसे 2-3 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे। उसके बाद आपको चेक साइन कर देना है, लेकिन चेक लिखते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको उसे काट कर या ओवर राइटिंग कर नहीं लिखना है, इससे आपका चेक इनवैलिड हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको अपने चेक पर किसी भी तरह की ओवर राइटिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर चेक लिखते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई वर्ड मिसस्पेल्ट हो जाता है तो आप उसी चेक पर ओवरराइटिंग करने के बजाय नया चेक जारी कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो यह आता है दोस्तों कि अगर आप कभी किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो उधार देने वाला व्यक्ति आपसे आपके अकाउंट के ब्लैंक चेक ले लेता है एज सिक्योरिटी चेक। यही आपके और मेरे जैसे भोले भाले लोग धोखा खा जाते हैं। हम क्या करते हैं कि उधार देने वाले आदमी को हम अपने अकाउंट का ब्लैंक चेक साइन करके दे देते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में आपके और लोन देने वाले पर्सन के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए या उसकी नीयत खराब हो जाए तो वो उस ब्लैंक चेक में बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट भरकर चेक बाउंस करवा कर हमारे ऊपर केस कर देता है। जैसे आपने लिए उससे 1 लाख रुपए हो तो ब्लैंक चेक 10 लाख रुपए का लगाएगा। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए मैं आपको एक लीगल तरीका बताने जा रहा हूँ। तो जब भी आप किसी को ब्लैंक चेक दें तो उस पर वह मैक्सिमम अमाउंट लिख दें जितना आपको अपोजिट पार्टी को विद इंटरेस्ट देना हो। जैसे अगर आपने किसी से 1 साल के लिए 1 लाख रुपए लिए हैं और इंटरेस्ट 12% ईयरली है, तो आप जो उसे ब्लैंक चेक देंगे उस पर आपको लिखना होगा नॉट टू एक्सीड 1,12,000 रुपीज। ऐसा करने से अपोजिट पार्टी आपके ब्लैंक सिक्योरिटी चेक का मिसयूज नहीं कर सकेगी और 1,12,000 से ज्यादा पैसा आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकेगी। दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूंगा कि जितना हो सके आप किसी को अपने अकाउंट का ब्लैंक चेक मत दीजिए, और अगर देना भी पड़े तो इस वीडियो में बताई गई सावधानियों को जरूर बरतें, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके और आप लीगल वे में सेफ हो जाएं। दोस्तों, अगर आप चेक से जुड़ी और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक से जुड़ी और इम्पोर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको चेक से जुड़े सारे कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूँ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।